हरियाणा में कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस बीमारी राज्य सरकार और लोगों की परेशानी बढ़ा रही है, जिसके चलते अब ये बीमारी कोरोना महामारी के बीच राज्य में अपने पैर पसार रही है। ऐसे में इस बीमारी को लेकर हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इस संबंध में अनिल विज ने ट्वीट करके बताया कि ब्लैक फंगस को हरियाणा में अधिसूचित रोग घोषित किया गया। अब किसी भी ब्लैक फंगस मामले का पता चलने पर डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रोहतक के वरिष्ठ चिकित्सक कोरोना से निपटने वाले प्रदेश के सभी डॉक्टरों के साथ इसके इलाज को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। ब्लैक फंगस को हरियाणा में नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके तहत किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में अगर कोई मामला रिपोर्ट होता है तो सीएमओ को उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए जो मेडिसिन्स हैं उनका भी बंदोबस्त कर लिया गया है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रोहतक के वरिष्ठ डॉक्टरों को कहा है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो आज हरियाणा के सभी जो डॉक्टर्स कोरोना को डील कर रहे हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और उनको बताएं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। बता दें कि राज्य में अभी तक ब्लैक फंगस की बीमारी से जुड़े 4 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के बाद सजगता बरतने की सलाह दी है, साथ ही कहा है कि चिकित्सकों की मदद से इस बीमारी का इलाज संभव है। अम्बाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।